अच्छा नैमिषारण तीर्थ में ही क्यों कथा हो रही, और जगह हो जाती। सौनक जी और सूत जी वहीं क्यों विराजमान हैं? किसी ने बढ़िया जवाब दिया। एक बार कई महात्मा भजनानंदी ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और बोले, महाराज और तो आपकी बढ़िया कृपा है, भजन चाहे जहां कर लो, पर हम भक्तों के लिए एक एरिया फिक्स होना चाहिए कि इसमें भजन करोगे तो अनवरत मन लगा रहेगा, क्योंकि भक्ति तो हम कर रहे हैं परंतु मन नहीं टिकता, मन लगता नहीं है। क्यों? घर में गृहस्थी में दो पांच मिनट के लिए तो भाव तो उठता है कि रामायण पढ़ लो, भरत जी का प्रसंग पढ़ते हैं तो आंखें तो भर आती हैं, पर कुछ ही देर में अपना खुद का पप्पू रोने लगता है, तो पूरा मन पप्पू पे चला जाता है या घरवाई कहने लगती भाई चीनी लाओ, रामायण से ही काम नहीं चलने वाला है। तो गृह कारज नाना जंजाला, गृहस्थी का काम नाना जंजाल का काम है, बड़ा फंसना पड़ता है। अच्छा है भी शादी बड़ी खतरनाक, महाराज गृहस्थी में फंसना बड़ा खतरनाक है, जो नहीं फंसा वो भी रो रहा और जो फंस गया उससे तो पूछो ही मत, रोज असुआ ढड़का रहा। जो नहीं फंसा वो क्यों रो रहा, हम फंस जावे, जो फंस गया उसकी दुर्दशा पूछो भाई, तुम कैसे घूम रहे, हम पत्नी प्रताड़त घूम रहे। एक महाशय ने हमें जवाब दिया, हमने कहा भाई मुंह लटकाए क्यों घूम रहे, बोले महाराज पत्नी से प्रताड़ित हैं इसलिए घूम रहे हैं, हमने उसका नाम ही रख दिया पत्नी प्रताड़ित पुरुष। तो गृहस्थी धर्म बड़ा खतरनाक है भी सुंदर ऐसा भी नहीं, श्रेयस्कर भी गृहस्थ है, संन्यास लेने के बाद भी एक घंटा गृहस्थी की जरूरत पड़ती है। संन्यास में सब कुछ तो संन्यास भाव में कर सकते हो, पर भोजन बनाना हो तो गृहस्थी ही ग्रस्त में ही आता है, ग्रस्त धर्म में ही आता है। तो 23 घंटा तो सन्यासी रह सकते, पर एक घंटा तुमको गृहस्थी बनना पड़ेगा। तो ग्रस्त बड़ा धर्म खतरनाक है, लेकिन है भी बहुत सुंदर, अच्छा भी है, और गृहस्थ में ही भगवान आते हैं, सन्यास में नहीं आते, ये भी पक्का है। पति पत्नी ना हो तो भगवान कहां से हो? हमारे भारत देश में भक्त और भगवान दोनों गृहस्थ में ही उत्पन्न होते हैं, बाद में कुछ भी बन जाएं, पर मूलतया होते गृहस्थी। तो बोले सत्यम परम धीमहि, ब्रह्मा जी से बोले संत महाराज कहां पर भजन करें, गृहस्थी में हो नहीं पाता, कहीं पर भी जाओ सो चीची पौपों इतनी बढ़ गई है कि मन भटक जाता है, और ये मन बड़ा खतरनाक है। भजन करण में आलसी, भोजन में तैयार, तुलसी ऐसे नरन खां बार बार धिक्कार। भजन करने में ये बड़ा आलस खाता है, भोजन रख दो तो चटकारे लेता है, भाई थोड़ा पनीर और दो, थोड़ा सलाद और रखिए, चटनी कम पड़ गई है, और कहो भाई रामायण पढ़ो 2 मिनट में, भाई नींद आने लगी बहुत भजन हो गया अब कल पढ़ेंगे, भाई एक रोटी खा ली कल खा लेना तो दांत निकाल देगा, मारने का विचार है क्या, अरे महाराज खा लेने दो। तो ये मन बड़ा खतरनाक है, मनमा बड़ा है लालची, समझे नहीं गवार, ये गवार बड़ा। तो बोले महाराज इस मन को समझाने के लिए कौन सा स्थान है? ब्रह्मा जी बोले सुनो एक उपाय है। क्या उपाय है? हम एक तुमको चक्र देते हैं, ये चक्र चलता जाएगा, जहां रुक जाए वहीं पर भजन सुयोग करने का स्थान समझना, जहां 24 घंटे भगवान की भक्ति में तुम्हारा मन लगा रहेगा, ये आशीर्वाद है। फिर क्या था, ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ दिया, महात्मा चक्र के पीछे पीछे भाग लिए, और चक्र एक जगह आकर के टिक गया, और जहां टिक गया महात्मा समझ गए यही वो तीर्थ है जहां 24 घंटे भजन करते रहो कोई दिक्कत नहीं है। चक्र तो वापस चला गया, पर आज भी उस तीर्थ का नाम है चक्र तीर्थ, श्री नैमिषारण्य तीर्थ। बोलो नैमिषारण भगवान की जय। उस तीर्थ का नाम है नैमिषारण्य, नैमिषारण्य तीर्थ चक्र तीर्थ कहलाता है। और चक्र तीर्थ में, चक्र तीर्थ का अर्थ है जहां पर 24 घंटे मन लगा रहे। एक अर्थ और, संसार के चक्कर से जिस स्थान को बचाया जा सका वो नैमिषारण्य है। आज भी जिस सुखदेव जी भगवान ने जिस वट वृक्ष की छांव में कथा की थी, आज भी वो नैमिषारण्य में है स्थित। कभी जाइए दर्शन करिए, कभी निकलिए तो घर से,
खूब छतरपुर नौगांव घूम लिया, कभी तीर्थों में जाइए, बालाजी जाइए, अयोध्या जाइए, द्वारका जाइए, वृंदावन ब्रज भूमि जाइए, पर ऊटी और शिमला जाने में गर्व महसूस करते हो? हाँ, ऊटी जावे और शिमला जावे, इनमें तो कहते। अच्छा, एक हमारे बड़े स्नेही शिष्य, अभी बीच के दिनों में 10-15 दिन पहले हमने उनको फोन मिलवाया, हमने कहा ये बात करवाओ उनसे हमारी बात भाई। तो उनके बालक ने फोन उठाया, उनका पापा कहाँ है? बोले गुरुजी वो तो विदेश गए हैं। हम कभी विदेश किसी लिए गए हैं? बोले माताजी और पिताजी दोनों जो है घूमने गए हैं। अब बुढ़ापे में 60 साल हो गया, हमने कहा आ जाए तो हमारी बात करवाना। और जब वो वापस आ गए, हमने कहा एक बात बतावे यजमान जी। बोले जी गुरुजी। हमने कहा बुढ़ापे में विदेश घूमने का टाइम नहीं है, कहीं टपक जाओगे तो कल्याण भी नहीं होगा। बुढ़ापे में जाना भी है तो अयोध्या जाइए, केदारनाथ जाइए, संतों के चरणों में जाइए, जिससे कल्याण होगा। अब तुम गोवा हुआ घूमते फिरते हो, गोवा में अगर गायब हो गए तो जय जय हो जाएगा, बोलो राधे राधे। तो जहां 24 घंटे मन लगा रहे वो चक्रतीर्थ नेमी सारण्य है।